उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी से है, जहां स्वास्थ्य विभाग इस समय संचारी रोग पखवाड़ा चला रहा है। जनपद में बेटुआ सीएचसी में ओपीडी की सेवाएं जारी है। साथ ही आशा बहुओं की 34 टीमें गांव-गांव घर-घर जाकर कोरोना वायरस के लिए विशेष सर्वे अभियान चला रही हैं। साथ ही संचारी रोग पखवारे के द्वारा गांव में झाड़ियों और रुके हुए पानी में एंटी लार्वा दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। बेटुआ सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि इस समय अस्पताल में जुकाम खांसी बुखार के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। अमेठी से रण विजय सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। अधीक्षक की संचारी रोग पखवाड़े में आपके अस्पताल में क्या चीजें की जा रही हैं? संचारी रोग पखवाड़े को लेकर के हमारे यहाँ पूरी तैयारी है। जैसे साफ सफाई का कार्यक्रम, जहाँ पे झाड़ी है उसका कटाई हो रही है, और जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ पे एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा है। ये तो अस्पताल की रही बात, लेकिन अस्पताल को छोड़ करके गाँव में भी व्यवस्था है। हमारी आशा बहुओं के पास मशीन है और एंटी लार्वा दवा है, तो संबंधित ग्राम सभा के जो सफाई कर्मी है वो उनसे दवा ले ले, मशीन ले ले, गांव में जहां पानी भरा हुआ है, जहां छिड़काव हुआ, जहां पानी भरा हुआ है, ज्यादा झाड़ियां हैं, वहां दवा छिड़काव करना सुनिश्चित करें। ये सभी ग्राम सभा में सुविधा उपलब्ध है। आशा बहुओं कुल कितनी टीमें लगाई गई हैं? इस समय आशा बहुओं की 34 टीमें हैं हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन वो संचारी रोग से नहीं बल्कि जो आपका कोरोना से है उसका एक स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है, जो कि हर गांव में हर घर में जाकर के कितने सदस्य हैं, कितने सदस्यों में से बुखार है, किसको सांस लेने में दिक्कत है और किसको खांसी आ रही है, उनका चिन्हीकरण हो रहा है, उनका सर्वे करके उनको सैंपलिंग कराई जा रही है। क्या सभी आशा बहुओं के पास इंफ्रारेड थर्मामीटर और मास्क है? ये ग्राम पंचायत के हिसाब, जिससे राजस्व ग्राम है, जहाँ ग्राम प्रधान है, क्योंकि ग्राम पंचायत विभाग ने, एडीओ पंचायत ने के विभाग से उपलब्ध कराया गया है, तो जितने प्रधान है उनको दिया गया है। उसी गांव की ही आशा को मिला है जिस गांव में ग्राम प्रधान आशा चिन्हित है, मतलब एक गांव में कहीं कहीं तीन तीन चार चार आशाएं हैं, जो ग्राम सभाएं बड़ी है सबको नहीं मिला है, तो एक आशा को उसमें से मिला है जिसका ग्राम पंचायत के प्रधान और क्या कहते हैं आशा का खाता खुला हुआ है, उनका मिला है। इस समय ओपीडी में किस प्रकार के पेशेंट आ रहे हैं? इस समय ओपीडी में जैसे खांसी, जुकाम, बुखार और खुजली वाले पेशेंट आ रहे हैं, बाकी उल्टी दस्त वाले पेशेंट नहीं है। किन प्रकार के मरीजों को आप सैंपलिंग के लिए भेज रहे हैं? मरीजों के सैंपलिंग के लिए दो तरह के हैं, एक तो वो हैं जो प्रवासी मरीज हैं, मतलब जो कहीं बाहर से आए हैं वो जा रहे हैं, दूसरे वो हैं जो सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, जैसे किसी को खांसी है, जुकाम है, सांस लेने में तकलीफ है, वो दूसरे वाले।